माँ जी के वो वाहिद सहारा था, इस घर का वाहिद कफील था जब इस दुनिया में नहीं रहा। कुत्ते पे हो जना से पीछे इटा आगे भी इटा मार मार कर कपड़े मुंह और खूनो खून हो यहाँ से माँ जी, आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपके शोहर बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसे मेरे साथ माँ जी मौजूद हैं, इनके शोहर को जिनकी उम्र 70 साल है, सिर्फ इस बात पे जान से मार दिया गया कि हमसायों की मुर्गियाँ यहाँ पर आती हैं, कीड़ों को शक्कर डाली जाती है, मुर्गियाँ कीड़े खा जाती हैं। उन्होंने रोका कि अपनी मुर्गियाँ अपने घर तक रखो, ये कीड़े खा जाती हैं, जिस पर कहा गया कि तुम कीड़े उठाकर घर के अंदर ले जाओ। इस बात पर इतनी बुरे तरीके से उनकी जान ली गई है। अब माँ जी के वो वाहिद सहारा था, इस घर का वाहिद कफील था जब इस दुनिया में नहीं रहा। बात करते हैं, छोटी सी बात है, इतनी बड़ी जंग कैसे बन गई है? माँ जी मुझे बताइए, ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि शक्कर डाली जाए कीड़ों को, मुर्गियाँ आ जाए, मुर्गियों को रोको, इस बात पर कोई कैसे मार सकते हैं? मेरी यह भी गल है कि जो कहते मैं बारहों किसी बुढ़ी ने बुला लिया नहीं, तुम पूछ लो क्या है गल ही हुई है। हुआ क्या था उस दिन? कुछ नहीं, बस वो अपना शक्कर पाते ने मुर्गियों पाते सन तरह के टाइम, उन्होंने कहा जाती दफा काम से चले रहे तो उन्होंने कहा कि मुर्गियाँ तुम अंदर रखा करो, कीड़े खादियां ने। उन्होंने कहा और मुंडे ने कहा तो तुम ना मुर्गियाँ अपनी अंदर लै जाओ, अपना कीड़े अंदर तुसी ले जावो। अच्छा, कीड़े अंदर ले जाओ? हाँ, कीड़े अंदर ले जावो। तो अपना मैं अपने मियाँ धक्को धक्की, मैं काम से चले जाओ, मैं क्या लेट होंगे वे 7 बज गए ने। तो अपना और मुंडा कहता वे कहना मैं तेरा बंदोबस्त कर लेना वा। मियाँ मेरा जरा उच्चा सुनते गए सन, मैं उन्होंने कोई नहीं दसिया है कोई, मैं क्या दसिया तो फिर लड़ाई हो पेगी, बहुत ही हो पेगी लड़ाई। इन्नी देर चले गए 5-6 दिन लंघे ने, तो कहिंदा मैं बिल दे मैं जमा करावां जाके, मैं पूछ के आवां जाके भैं जी कित्थे जमा होना है। रस्ते च प्यो पुत्र बैठे सन, तो मैं बाहर शोर की आवाज़ आई, तो मैं गेट अगे जाके खलोती हूँ, मैं पता नहीं कौन लड़ता पाया। तो मेरी आवाज़ अपने मीए की आई, मैं फटाफट बूहे ढो के गई हाँ, पुत्र ने पिछो जफा मारिया, पुत्र तो प्यो तो इटा रोड़े मार मार के मार मार कर, बाप बेटे वो बाप बेटे आपके शोर को हाँ जी वो मारता सी, प्यो पुत्र ने फड़िया सी पिछे नू काबू किया पा के जफा, पुत्र प्यो जरा सी पिछे इटा अगे भी इटा मार मार कर कपड़े मुँह और खूनो खून होया सी। वो तो मैं गई तो बाबा कहते तू कि बगैर देते लैना, मैं बगैर तो मेरे बंदे क्यों मार दे, कहना दफा जा तो तुम्हें इन्नी देर चो गिची भी घुटी खरा दसा और घुटिया इन्नी देर चो बचाओ हथों उन्हें छड़िया, तो इन्नी देर थले डिग पा रही बस जान नहीं कर गए, मरदा मरदा फिर लबेकी तेन मैं कली छड़ के धक्के खा कहना जी तो मैं नहीं होवगा तेन मेरी याद आएगी, मेरी याद करेगी। कितने बच्चे हैं आपके? मैं 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। बेटी की दोनों की शादी हो गई? नहीं, बेटे की हुई थी शादी, तो अमीर लोग है जी, उन्हें बुढ़ी कहती सी कि मेरे को आ जा साडे घर ही रहो, घर जवाई रहो। मेरा बेटा कहता नहीं, मैं अपने माँ प्यो ने नहीं छड़ के जाना, कोई तू जा चली, तो उन्हें फिर तो मैं उतो खुला ले ली थी। फिर लड़के जो गुजर बसर है वो शोहर की कमाई से होती है। मैं 30-25 हज़ार रुपया लेंदा सी, मैंने कोई जरूरत झूठ बोलन दी, 25 हज़ार लेंदा सी, भी मैंने देना ते 5 आप रखता, पेट्रोल कहना मैं पाना पूना हैगा। तो बस गुजर तुहानू पता 20 हज़ार च की बनता हैगा, कुछ भी नहीं आंदा ना। घर का निजाम किस तरह से चलेगा? सुबह मेरा बेटा हूँ गया सी काम से, कहता कोई कोई नहीं पैसा लब्भा, दिहाड़ी कोई नहीं लगी, बेचारा खाली हथी आ गया बस। पुलिस ने क्या किया है? पुलिस मेरी धीज का शुरू शुरू तो होया सी ना मसला, तो ना वो बाबे नू बाबा दिंदा सी, उहदा पुत्र बाहर नसा फिरदा सी। मैं अपने बेटे ना गई एस ओ चोर, मैं कहा मैं उहदा पुत्र बाहर नसा फिरदा, तुसीं उहनू भी फड़ के अंदर दवो, कतल किया उन्होंने। तो कहिंदा बीबी तू सानू दस कित्थे हैगा वे, तू सानू दस ते असीं फड़ लांगे। तो मैं कहा फिर तुसीं क्यों बैठे हो, मैनू की पता कित्थे वे, मैं कहा प्यो नू तुसीं मारो कुट्टो ते मैं कहा तुहानू दसेगा, तो कहिंदा मर जाएगा। तो मैं कहा वो मर जाएगा तो जो मेरा बंदा मर गया वो कोई कदर नहीं हैगी कोई भी। फिर मैं उन्होंने कहा मैं कहा FIR भी सन दवो कोई असी उन्होंने कोई करिए। तो कहिंदा बीबी जाके मैं हस्पताल लै आया, एडी तू काली हैगी ना तो उत्थों जाके लै आया, फिर लाल ना जाके घर आराम कर, जो तो मिलेगी तेन दे देंगे। माँ जी आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपके शोहर बहुत मोहब्बत करने वाले। हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, जरा बंदा
मैं भी उन्होंने मैं रात रूत काम से जाते मैं रात 11 बजे तक पिछले फोन करी जानी सा करी जानी सा की कर दे उन्हें कहना कुछ नहीं रोटी खाना मैं हूँ की कर दे कुछ नहीं मैं क्या दवाई खा के सोना तो मैं एक दिन फोन कर रह गया तो मैं अपने बेटे ने कहा मैं जा दे के आ फोन जाके वह कहते मैं कि थेटी दूर जावा मैं चल जा दे मैं कोई गल नहीं वह बेचारा फोन दे के आया मैं क्या नहीं होएगा और को फोन तो मैं गल किस तरह उन्ना करा कि मैं क्या उधर ना फोन अंदर ही पे कोई अपील करना चाहती हैं मैं मरियम साहबा ने कहनी हूँ कि मेरा इंसाफ दिता जाए मेरे बंदे का जिन्होंने मारिया भी उन्होंने भी अस नहीं इन्होंने सजाए मौत हो इन्होंने बस मैं तो यही कहना चाहनी मेरा घर खराब हो गया मेरा बंदा मेरे को चला गया वह बेचारा मेरे नौ भी कटदा हों मेहती मेरे सिर न लानी है वेखो मैं इन्ने लम्बे नौ से मैं अच्छे आप ही कट्टे ने नहीं तो मेरे पैर के नौ हथा के नौ बेचारे ने बह के मेरे कट्टने करने उन्हें कहना दहा तेरे नौ बधे ने मैं तेरे कट देना बैठ गया आपको सबर दे अब 12-13 दिन हो गए मैं प्रेमियर वेख्या जो मरिया से मन का मूह चुमी जानी सो चुमी जानी सो मरे जो लैके चले सर जनाजा मैं मूह चुमी मैं सर जी कितने तुर चले अपने छट गए मैं उन्होंने सर जी कहनी सब मैं मैडम कहना हों मैडम कुछ खाना ही तेरे बोतल लिया के पिया के जाना वा मैं पिया दो जानी दो काम दे मैंने बोतल में पिया के जानी काम दे जो काम से जाना थैला हों रोटी होंगी सी सालन हों कपड़ा हों जो काम से जाना मैं बाहर जाना मैं क्या तुम तो मैं ही स्कूल बच्चे भेजी दें जी मैं मैं थैला फड़ा आनी हाँ बहर तेन अल्लाह माँ जी आपको सबर दे उम्मीद करते हैं माँ जी को अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता तो अल्लाह की एक अदालत है जो ये सब कुछ देख रही है सब ज्यादतियाँ देख रही है उम्मीद करते हैं अल्लाह ने पता बेगुनाह है अल्लाह ने पता बेचारी ना ना प्यार करती जो भी करता